बीएचयू में थर्ड पार्टी के बाद बढ़ा विवाद, नाराज छात्रों ने कुलपति कार्यालय और आवास के बाहर किया प्रदर्शन। बीएचयू के छात्रों ने कुलपति कार्यालय के सामने पढ़ी हनुमान चालीसा, छात्रों ने कहा बीएचयू को एएमयू और जेएनयू नहीं बनने देंगे। वाराणसी में बीएचयू की दीवारों पर लिखे मिले नफरती नारे, भगत सिंह छात्र मोर्चा पर आपत्तिजनक नारे लिखने का आरोप। बीएचयू में नफरती नारों के खिलाफ एबीवीपी के छात्रों ने निकाला विरोध मार्च, भड़के छात्रों ने फूंका वीसी का पुतला। अयोध्या में नफरत फैलाने की साजिश, मस्जिद के पास विवादित चीजें फेंकने के मामले में सात गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को किया गिरफ्तार, हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख की गिरफ्तारी। अयोध्या मामले में यूपी के सीएम योगी सख्त, आरोपियों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। दिल्ली में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, शाहीनबाग इलाके से 50 किलो ड्रग्स बरामद। शाहीनबाग से 30 लाख कैश भी बरामद, नोट गिनने की मशीन भी मिली। शाहीनबाग ड्रग्स केस में एनसीबी प्रमुख एन प्रधान का बयान, कहा नार्को टेररिज्म से हो सकता है कनेक्शन। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर नगर निगम और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक, अवैध कब्जों पर कार्रवाई को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली के शाहीनबाग में दिखा बुलडोजर का डर, दुकानदारों ने खुद ही हटाया सड़कों पर रखा सामान। शाहीनबाग के फर्नीचर बाजार में दुकानदारों ने रखा है फुटपाथ और सड़कों पर कब्जा, एमसीडी की कार्रवाई से डर से हटाया अतिक्रमण। जांगीरपुर हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, पुलिस ने आरोपी फरीद को कोलकाता से किया गिरफ्तार। यूपी के मदरसों पर योगी सरकार की सख्ती का असर, दारुल उलूम देवबंद में दाखिले को लेकर सख्त हुए नियम। देवबंद में नए छात्रों को दिखा ले दाखिले के लिए पिछले मदरसे का प्रमाण पत्र और मार्कशीट देने। अखिलेश यादव ने लाउडस्पीकर हटाए जाने के मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा लाउडस्पीकर हटाकर कोई कमाल नहीं किया। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ये बताए कितने लोगों को दिया रोजगार। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर भी उठाए सवाल, कहा यूपी में जाति धर्म देखकर चलाया जा रहा बुलडोजर, योगी सरकार के आदेश का दिखने लगा असर, झांसी में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। कानपुर में भी लाउडस्पीकर पर कार्रवाई, पुलिस कमिश्नरेट ने 375 साउंड सिस्टम हटाए। सीतापुर में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई, मस्जिदों में अजान के समय लाउडस्पीकर की आवाज धीमी की गई। यूपी सरकार के निर्देश के बाद नोएडा के धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर, अब तक 142 लाउडस्पीकर उतारे गए। नवनीत राणा और उनके पति की जमानत पर आज होगी सुनवाई, मुंबई सेशन कोर्ट करेगा सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आज शिमला में प्रदर्शन करेगा एंटी टेररिस्ट फ्रंट, जेल के बाहर प्रदर्शन होगा। महाराष्ट्र की सियासत में दिख सकता है नया समीकरण, सूत्रों के हवाले से खबर, राज ठाकरे की पार्टी से गठबंधन कर सकती है बीजेपी। महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन को आरएसएस से भी मिली मंजूरी। 5 जून को राज ठाकरे करेंगे अयोध्या का दौरा, सूत्रों के मुताबिक 6 जून को सीएम योगी से कर सकते हैं मुलाकात। योगी के लाउडस्पीकर मॉडल की राज ठाकरे ने की तारीफ, यूपी में लाउडस्पीकर हटाए जाने पर सीएम योगी को बधाई दी। राज ठाकरे का सीएम उद्धव पर निशाना, कहा दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं। राज ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, महाराष्ट्र में 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाए सरकार। महाराष्ट्र के अमरावती में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा अपने अंतिम दिन गिन रहा हिंसा प्रिय समाज। महाराष्ट्र के धुले में बरामद तलवारों पर एमएनएस का उद्धव सरकार पर निशाना, कहा धुले की घटना महाघाड़ी सरकार की नाकामी। बीजेपी नेता राम कदम ने धुले में हथियार बरामद होने पर सवाल उठाए। आईएनएस विक्रांत धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया की अंतरिम अग्रिम जमानत 14 जून तक बढ़ाई। बेंगलुरु में आज पीएम मोदी करेंगे पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, दुनिया भर के सेमीकंडक्टर लीडर्स से भारत में निवेश की अपील करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज गुजरात दौरा, गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेपी नड्डा। दिल्ली में हुई एमपी बीजेपी की अहम बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर चर्चा। एमपी बीजेपी की बैठक में सीएम शिवराज के साथ तमाम नेता हुए शामिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर, पीएम मोदी से नहीं करेंगी मुलाकात। ममता बनर्जी का पीएम मोदी को जवाब, का भारत सरकार फ्री में दे रही उपदेश। पाकिस्तान से बातचीत को लेकर भारत के रुख पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा शांति के माहौल में बातचीत हो सकती है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के दौरे पर पाक विदेश मंत्री की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने कहा जम्मू कश्मीर की तरक्की सबने देखी। वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान, कहा छोटे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, साथ ही लंबे गतिरोध के लिए भी तैयार रहने की जरूरत। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट का असर, पिछले 4 महीने में 62 आतंकी हुए ढेर। कश्मीर में सेना ने लश्कर और जैश की तोड़ी कमर, 4 महीने में लश्कर ए तैयबा के 39 और जैश ए मोहम्मद के 15 आतंकी मारे गए। जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सिब्रा इलाके में मिला आईईडी। हरियाणा के झज्जर में फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव, लोगों को सांस लेने में हो रही मुश्किल। झज्जर में इंडियन गैस एजेंसी के पास कत्था फैक्ट्री से लीक हुई अमोनिया गैस, फिलहाल लीकेज को काबू करने के प्रयास जारी। गगन सिस्टम का इस्तेमाल कर सफल लैंडिंग करने वाली पहली एयरलाइन बनी इंडिगो।
यूपी के सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा, आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। गोरखपुर में आज यूपी के सीएम योगी लगाएंगे जनता दरबार, गोरखनाथ मंदिर में सुनेंगे लोगों की शिकायत। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जेल बाईपास रोड का निरीक्षण, जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। कोरोना के बावजूद यूपी का 30 गुना बढ़ा निर्यात, एक साल में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट। लखीमपुर हिंसा केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। 3 महीने में संपत्ति का ब्यौरा देने के साथ सभी मंत्रियों को सीएम योगी का निर्देश, 5,000 रुपए से ज्यादा की कीमत का गिफ्ट ना करें स्वीकार। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा फैसला, जल शक्ति विभाग और उससे जुड़े विभागों में प्लास्टिक पर बैन। लखनऊ में ईद के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सड़कों पर फ्लैग मार्च करते दिखे आईएएफ के जवान। लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। शहजील इस्लाम ने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाई, बुलाने के बावजूद इफ्तार पार्टी में नहीं गए शहजील। जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद रामपुर में आजम खान के घर पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णा। जेल में ही मनेगी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की ईद जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 4 मई को होगी अगली सुनवाई। गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी में आटा मिल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जालौन में आग का तांडव, आधा दर्जन दुकानों में लगी भीषण आग। यूपी के बरेली में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला, मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर छात्रा को फंसाने का आरोप। नोएडा के पब में युवक की हत्या के बाद एक्शन में आबकारी विभाग, अब होटल और रेस्टोरेंट में नहीं रखे जाएंगे बाउंसर। गाजियाबाद में खतरनाक बाइक स्टंट का वीडियो वायरल, रील बनाने के चक्कर में शख्स स्टंट करता दिखा। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे उत्तराखंड के सीएम थामी, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मंत्री सतपाल महाराज ने जमकर लगाई फटकार। चमोली में भीषण लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ हाईवे पर बलदौड़ा के पास खिसकी जमीन। 7 मई को मंदसौर जाएंगे एमपी के सीएम शिवराज, पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के सहसेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कोरिया जिला अस्पताल का करेंगे शिलान्यास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे भूपेश बघेल। आज आएंगे मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के नतीजे, 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा परिणाम होंगे घोषित। एमपी के खरगोन में शबे कद्र त्योहार से पहले अलर्ट पर पुलिस, शहर के प्रमुख इलाकों से निकाला गया फ्लैग मार्च। उज्जैन में एमपी सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महाकाल के दर्शन किए, पीएम के दौरे से पहले उज्जैन में बन रहे महाकाल कॉरिडोर के कामकाज का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों का उत्पात, सड़क निर्माण में लगी मशीनों को किया आग के हवाले। एमपी के सतना से आई अनोखी तस्वीर, हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई। भोपाल में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति की बैठक, कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे का उठा मुद्दा। कोल संकट पर बोले केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, देश में नहीं है कोयले का संकट।